सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दसवीं कक्षा के मैथमेटिक्स का छठा चैप्टर जिसका नाम है त्रिभुज। यानी त्रिभुज चैप्टर से आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसे इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन को पढ़ने जा रहे हैं जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप भी सर मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं तो आज का यह वीडियो आप सभी को देखना बेहद जरूरी है। तो चले फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर एक को देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर एक में बोला गया है कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, पहला आपसे मिला है समरूप होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, सी में दिया गया समानुपाती होते हैं और आपका ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं होता है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को इसी वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर एक का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर आप इसका सही जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन दो को देखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन दो में बोला गया है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा था। दोस्तों याद रखिएगा, दो समान कोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा समान रहता है, ये जो कथन है ना ये थेल्स महोदय का है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, थेल्स। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन तीन को देखिए। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन तीन में बोला गया है कि यदि L समानांतर M हो तो D का मान क्या होगा। यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखेंगे ना तो इस फिगर में दिया गया है L समानांतर M, तो यहाँ पे आपसे D का मान पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे दिया क्या क्या गया है, तो 3D प्लस 50 दे दिया गया है और बराबर में यहाँ पे दिया गया 2D प्लस 20। तो यहाँ पे लिख देंगे कि 2D प्लस या साइन तरीके से 20 लिख सकते हैं। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3D को सेम टू सेम लिखेंगे। दोस्तों ध्यानपूर्वक देखेंगे ना तो यहाँ पे प्लस में 2D है, बराबर की इधर आकर ये माइनस 2D हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे 50 को हम लोग सेम टू सेम लिख सकते हैं और यहाँ पे जो 20 है, यहाँ पे देख लीजिए 50 है को यहाँ प्लस 20 है तो माइनस 20 जाएगा। यानी 3D में से 2D घटता है तो जाहिर सी बात है D होता है, 50 में से 20 घटता है तो 30 होता है। तो इस प्रकार से D का जो मान आने वाला है वो 30 होगा, यानी आपका ऑप्शन बी क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन चार को देखिए। क्वेश्चन चार कहता है कि त्रिभुज ABC में BC को D बिंदु तक बढ़ाया गया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज की रचना करेंगे जिसका नाम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ABC रखेंगे। दोस्तों यहाँ पे A रख लेते हैं, यहाँ पे B रख लेते हैं और यहाँ पे C रख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया त्रिभुज ABC में BC को D बिंदु तक बढ़ाया गया। अब ये जो BC है ना, इसे D बिंदु तक हम लोग बढ़ा देंगे। अब बोला गया है कि जिसमें कोण ACB, यानी ये जो कोण का मान है ना ये 110 डिग्री, सॉरी ACD का मान है, ACD ये कोण का जो मान है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 110 डिग्री दिया गया है। कोण BAC ये जो कोण है ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 57 डिग्री दिया गया है। तो आपसे पूछा गया है कि कोण ABC का मान क्या होगा, ABC यानी हमें ये कोण ज्ञात करना है। आप सभी को जानकारी के लिए बता दें, यहाँ पे देखिए 57 डिग्री दिया गया है और यहाँ पे 110 डिग्री दिया गया है। यदि 110 डिग्री में से हम लोग 57 डिग्री को माइनस कर देंगे तो जो प्राप्त डिग्री का मान हो जाएगा वही होगा कोण B का मान। यानी आसान भाषा में कहे तो 110 डिग्री में से हमें 57 डिग्री को माइनस करना होगा। और आप सभी को बता दें कि 110 डिग्री में से 57 डिग्री को माइनस करते हैं तो कितना आता है, 33 आना चाहिए। फिर से हम लोग कर लेते हैं, देखिए 10 में से 7 घटता है तो यहाँ पे 3 बचता है। अब ये हमारा 5 हो गया, 10 हो गया है, 10 में से 5 घटेगा तो ये 5, सॉरी इसका 53 आएगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, 53 डिग्री। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 5 को देखिए। क्वेश्चन 5 से बोला गया है त्रिभुज ABC में AB एवं AC के मध्य बिंदु D और E इस प्रकार है कि DE समानांतर BC है तथा BC बराबर 8 cm दिया गया है, तो DE का मान बताइए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज की रचना करेंगे जिसका नाम हम लोग ABC रखेंगे। यहाँ पे रख लेते हैं A, ये हमारा B हो जाएगा, ये हमारा C हो जाएगा। अब बोला गया है AB, देखिए ये AB है ना, इसी के समानांतर एक AC के मध्य बिंदु D और E खींचा गया, यानी इसमें एक और रेखा खींच देंगे जिसका नाम रखेंगे DE।
इसमें DE जो रेखा है ये BC के समानांतर है, DE समानांतर BC है। अब BC का जो मान है वो क्वेश्चन में 8 दिया गया है, तो आपसे पूछा गया DE का मान क्या होगा। तो दोस्तों DE का मान क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, BC का हम लोग यदि आधा कर देंगे ना, तो जाहिर सी बात है DE का मान निकल जाएगा। यानी इसमें जब दिया गया है 8 सेमी, तो इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 सेमी होगा ना। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 सेमी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 6 को देखिए। क्वेश्चन 6 में बोला गया है कि त्रिभुज एबीसी में डीई समानांतर बीसी, जिसमें एडी बटा डीबी बराबर 5/3 दिया गया है, तो एई बटा ईसी का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज की रचना इस प्रकार से आसानी तरीके से कर लेंगे। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे ए लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे बी और यहाँ पे सी लिख सकते हैं। इसे बोला गया डीई समानांतर बीसी, तो बीसी के समानांतर एक अन्य रेखा हम लोग डीई खींच लेते हैं, इसका नाम हम लोग डी और इसका नाम ई रख लेते हैं। अब यहाँ पे बोला गया एडी बटा डीबी का मान जो है 5/3 है, यानी एडी का जो मान है ना ये 5 है, डीबी का मान 3 है। आपसे पूछा गया एई बटा ईसी का मान बताइए। दोस्तों एडी का जितना मान होगा ना उतना ही मान एई का होगा, तो ये हमारा 5 हो जाएगा। यानी एई का मान हमें ज्ञात करना हो तो 5 कर सकते हैं। उसके बाद में हमें चाहिए एसी का मान, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का। तो देखिए इतना तो हमें मालूम है कि ये 5 है और इधर वाला हमारा 3 है, तो 5 में 3 को जोड़ देंगे ना तो ये हमारा 8 हो जाएगा। यानी एसी का मान हम लोग 8 लिख सकते हैं। इस प्रकार एई बटा एसी का जो मान आने वाला है वो 5/8 आएगा, यानी आपका ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 7 को देखिए। दोस्तों क्वेश्चन 7 में बोला गया है कि दी गई आकृति में DE समानांतर BC है, तो X का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखेंगे ना तो एक त्रिभुज को बना दिया गया है, इसमें यहाँ पे X दिया गया है, उसके बाद में DB का मान 16 है, AE का मान 34 है, EC का मान 17 दिया गया है। तो आपसे पूछा गया कि आखिर X का मान क्या होगा। आप सभी त्रिभुज वाले चैप्टर में थेस प्रमेय को जरूर पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे ना तो हमारे चैनल पे जाके थेस प्रमेय को वीडियो आसान तरीके से देख लीजिएगा। हालांकि ऐसे सवाल आपके मैट्रिक एग्जाम पेपर में 5 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए थेस प्रमेय कहता है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है, जिसे हम लोग AD बटे DB बराबर में कहते हैं AE बटे EC कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे AD का मान की बात करें तो दोस्तों X दिया गया था, तो आप यहाँ पे X लिख दीजिएगा। उसके बाद में हमें चाहिए DB का मान, तो दोस्तों DB का जो मान है ना वो 16 है, तो आप यहाँ पे 16 साइन तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद में हमें चाहिए AE का मान, तो AE का मान ध्यानपूर्वक देखिए तो 34 दिखाई देगा, और EC का मान की बात करें तो यहाँ पे 17 है। उसके बाद में हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना होगा, यानी 17 में 1 से गुना कर देंगे तो हमारा 17 X हो जाएगा, 34 में 16 से गुना कर देंगे यानी 16 गुने हम लोग 34 समान तरीके से लिख सकते हैं। यदि X बराबर हम 16 गुने 34 लिख दें तो यहाँ पे जो 17 गुना में था बराबर की दराने पे भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 17 × 34 यानी 16 में 2 से गुना करके हमारा आंसर आ जाएगा। हम लोग कर देंगे इसकी 16 × 2 और 16 में 2 से गुना करते हैं तो कितना आता है, तो 32 आता है। इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, 32। उम्मीद है आप सभी को यहाँ तक के बताए गए तमाम क्वेश्चनों का सोल्यूशन समझ में आ ही गया होगा। तो आइए फ्रेंड्स इसी प्रकार से हम आप सभी को अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 को दिखा देते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 8 को देखिए। दोस्तों क्वेश्चन 8 में दिया गया है त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC है, जिसमें AD बटा DB बराबर 5/3 दिया गया है, तो AE बटा EC का मान क्या होगा। दोस्तों आपका थेस प्रमेय कहता है कि AD बटा DB और बराबर AD बटा यहाँ पे हम लोग DB लिख देते हैं, आइए यहाँ पे फिर से हम लोग लिख देते हैं DB बराबर में दोस्तों होते हैं AE बटा में होते हैं EC। इससे हमें ये पता चलता है कि AD जो है वो AE के बराबर है, DB जो है वो EC के बराबर है। तो जब क्वेश्चन में AD बटा DB का मान 5/3 दिया गया है, हमसे पूछा गया है AE बटा EC का मान बताइए, तो यहीं पे आपको देखने को मिल जा रहा है कि AE का जो मान हो गया वो 5 हो गया, EC का जो मान हो गया है वो 3 हो गया है। यानी कुल मिलाकर क्वेश्चन का सही जवाब जितना क्वेश्चन में दिया गया था वही आपका क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो 5/3 ऑप्शन ए में देने के कारण क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए होगा, 5/3। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 9 को देखिए। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन 9 जो है वो काफी ही सिंपल है। सवाल में आपसे पूछा गया है
कि त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी एवं एडी बटा डीबी बराबर यहाँ पे 3/5 दिया गया है और एई का जो मान है ना वो 4.8 दिया गया है। तो इसी का मान आप तमाम छात्रों से पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, जो आपका फॉर्मूला कहता है एडी बटा डीबी बराबर एई बटा इसी का प्रयोग कीजिएगा। तो देखिए एडी बटा डीबी जो होते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि 3/5, यहाँ पे लिखेंगे एडी बटा डीबी बराबर में लिखेंगे एई बटा लिख सकते हैं ईसी। अब देखिए एडी का जो मान है दोस्तों यहाँ पे कितना है तो 3 है, तो हम लोग यहाँ पे 3 लिखेंगे। डीबी का मान यहाँ पे 5 है तो 5 लिखेंगे। एई का मान की बात करें तो 4.8 दिया गया है तो 4.8 लिख लेंगे। ईसी का मान की प्राप्ति हमें नहीं हुई है यानी ईसी हमें ज्ञात ही करना है, तो इसे हम लोग सेम टू सेम लिख सकते हैं। उसके बाद में क्या होगा कि ईसी में हम लोग 3 संग्रह करेंगे तो ये 3 ईसी हो जाएगा और 4.8 में 5 गुना कर देंगे या 4.8 गुने 5 लिख सकते हैं। उसके बाद में यदि हम लोग ईसी बराबर 4.8 गुने 5 लिख दे तो यहाँ पे जो 3 गुना में था ये हमारा भाग में आ जाएगा और यहाँ पे जो 3 है ना ये 3/4 को काट देगा 1.6 मरतबे। अब 1.6 में अगर आप 5 गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से दिए गए सवाल का क्वेश्चन नंबर 9 का जो बिल्कुल सही जवाब आने वाला है वह होगा आपका ऑप्शन डी यानी 32। यहाँ पे देखिए 1.6 गुने यहाँ पे जो है 16 दुनी 32 यानी 1.5 में देख लीजिए गुना करके देख लेते हैं 1.6 गुने 5 था, दशमलव हटा देंगे तो ये हमारा 10 जाएगा। 5 × 10 और ये 8 × 16 यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा 8 सेमी। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 10 को देखिए, सबसे पहले इसे हम लोग इरेज कर देते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन 10 को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन 10 को देखिएगा ना तो ये भी आपका क्वेश्चन सेम टू सेम ही है। बोला गया है कि त्रिभुज एबीसी में बीडी बराबर 5 सेमी दिया गया है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, त्रिभुज एबीसी में बीडी का जो मान है ना वो कितना दिया गया है तो 5 सेमी दिया गया है। बीसी का मान जो है वो 7.5 सेमी दिया गया है। कोण ए का समद्विभाजक एडी है तो एबी बटा ईसी का मान क्या हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा यानी 2 सेमी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 11 को देखिए, तो क्वेश्चन 11 में बोला गया है कि दिए गए चित्र में डीई समानांतर बीसी जिसमें एडी का मान 2 सेमी है, डीबी का मान 3 सेमी है, एई का मान 1.6 सेमी है तो ईसी का मान बताइए। अब बताइए जल्दी से इसका ईसी का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए एडी का जो मान है 2 है तो आप एडी के जगह पे 2 लिख दीजिएगा। डीबी का मान यहाँ पे 3 है तो 3 लिख दीजिएगा। एई का मान 1.6 है तो आप 1.6 लिखिएगा और ईसी का मान नहीं है तो इसे हम लोग 1 मान लेते हैं। अब हम लोग फार्मूला के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला कहता है एडी बटे डीबी बराबर में कहता है एई बटे में होता है ईसी। तो एडी का मान की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 2 दिया गया है तो आप 2 लिख सकते हैं। डीबी का मान की बात करें तो यहाँ पे 3 है तो आप 3 लिख सकते हैं। एई का मान 1.6 है तो 1.6 लिखिएगा। उसके बाद में ईसी का मान हम लोग 1 माने हैं तो 1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब गुना कर दीजिएगा 1 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा तो ये 2x हो जाएगा। उसके बाद में 1.6 में 3 से गुना करके देख लीजिए तो 4.8 होता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं 1.6 × 3 कर दीजिए। यदि आप x बराबर लिखते हैं 1.6 × 3 तो 2 आपका जो मल्टीप्लिकेशन में था ना ये भाग में आ जाएगा और 2×8 = 16 यानी 0.8 मरतबे ये कट जाएगा। उसके बाद में आपको गुना कर देना होगा तो 0.8 में अगर आप 3 से गुना करते हैं तो ये कितना होता है 3×8 = 24 होता है यानी 2.4। इस क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा यानी आपका क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 2.4। अगला सवाल क्वेश्चन यहाँ पे 12 को देखिए। क्वेश्चन 12 में बोला गया है चित्र में यदि डी बी बराबर सी डी, ई सी बराबर ए ई, कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी, कोण ई बी सी बराबर कोण ई बी ए है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा। यहाँ पे क्वेश्चन 12 का सही जवाब की बात करें तो देखिए जिस प्रकार से क्वेश्चन हमारा कर रहा है ना तो यहाँ पे जो ए बी का जो मान होगा ये कभी भी बी सी के मान के बराबर नहीं हो सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि दिए गए त्रिभुज में ए बी डज नॉट इक्वल टू बी सी है यानी आपका ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा।
उसके बाद में आइए इसी प्रकार से हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 13 को देखिए दोस्तों। क्वेश्चन 13 में बोला गया है कि दिए गए चित्र में PQ समानांतर BC है, AP बराबर 2 सेमी है, PB बराबर 6 सेमी है, तो PQ बराबर भी 3 सेमी दे दिया गया है। तो आपको बोला गया है कि BC का मान बताइए। चित्र में देखिएगा तो AP का मान यहाँ पे 2 दिया गया है, PB का मान 6 सेमी दिया गया है, वहीं पे PQ की मान की बात करें तो 3 दिया गया है। हमसे क्या पूछा गया है, तो ये BC का मान पूछा गया, तो BC का मान हम लोग x मान लेते हैं। तो क्या करेंगे कि ये कर देंगे हम लोग 2/6 कर देंगे और गुणे कर देंगे हम लोग यहाँ पे 2/6 और बराबर में लिख सकते हैं ये 3, और जो चीज नहीं पता है उसे हम लोग x मानेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 3/x। अब हम लोग गुना कर देंगे। गुना कैसे करेंगे, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, 6 में 3 से गुना करेंगे तो 6 × 3 = 18 हो जाएगा, या हम लोग ऐसे कर सकते हैं 6 × 3 कर सकते हैं। x बराबर 6 × 3 लिखते हैं तो 2 गुना में है तो भाग में होगा, इस 3 दिया 9 कट जाएगा, तो इस प्रकार से 9 इसका आंसर आएगा। हालांकि इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब कितना आएगा, तो 9 होगा। अब यहाँ पे हम लोग बुक में आंसर की बात करें तो बुक में शायद इसे ऐसे बना दिया है, इसे बनाया होगा 6 × 2 / 3 किया होगा, तो 3 × 6 तो यहाँ पे 2 × 4 आया होगा, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन का सही जवाब नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 14 को देखिए। त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC है, यदि AD/DB = 2/3 है, इस AE का मान है वो 4.8 है, तो आपसे पूछा गया EC का मान क्या होगा। वही फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे, AD/DB यानी 3/2 कर देंगे, उसके बाद में AE का मान 4.8 है तो 4.8 कर देंगे, और EC का मान मालूम नहीं है तो उसे हम लोग 1 ही रहने देंगे। उसके बाद में हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, तो x में हम लोग 3 से गुना करेंगे, तो दोस्तों x में यदि 3 से गुना करते हैं तो कितना होता है, तो 3x हो जाता है। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, यानी x में 3 से गुना कर देते हैं तो कितना हो जाता है, तो 3x हो जाता है। 4.8 में 2 से गुना करके देख लीजिए तो 4.8 गुने हम लोग 2 लिख सकते हैं। यदि x बराबर लिखेंगे कि 4.8 × 2 तो यहाँ पे 3 गुना में दिखाई दे रहा है, तो इसी हम लोग आसान तरीके से भाग में लिख सकते हैं। आप सभी को बता दें कि यदि हम लोग 3 का पढ़ा कितने में पढ़ेंगे कि 4.8 आ जाएगा, तो 16 × 3 = 48 यानी 1.6 मरते कर देंगे। अब हमें क्या करना होगा कि 1.6 में गुना करना होगा 2 से, तो यदि ये अगर 16 रहता तो 16 × 32 हो जाता, लेकिन 1.6 है तो इसका सही जवाब भी 3.6 आ जाएगा, यानी आपका क्वेश्चन का सही जवाब 16 × 32 यानी 3.2 होगा। तो यहाँ पे 3.2 ऑप्शन बी में देने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 15 कह रहा है कि बगल में चित्र में एक समबाहु त्रिभुज ABC जिसकी प्रत्येक भुजा ए सेमी है, जिसमें AD लंब BC है, त्रिभुज ABC की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी आपसे AD का मान पूछ लिया गया है। देखिए इसे प्रत्येक भुजा A सेमी दिया गया है, ये आपका A हो जाएगा, ये भुजा भी आपका A हो जाएगा, यहाँ पे A भुजा भी A हो जाएगा, और जाहिर सी बात है बीच में जब लंब डाल देंगे ना तो BD का मान ये आधा हो जाएगा, A/2 हो जाएगा, ये भी A/2 हो जाएगा। आपसे पूछा गया AD जिसे हम लोग ऊंचाई भी बोल सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे AB² - BD² करेंगे। AB का मान यहाँ पे A है तो हम लोग करेंगे A² - BD का मान A/2 है तो हम लोग A/2 को स्क्वायर कर सकते हैं। इसके बाद में क्या होगा कि A² यहाँ पे A² हो जाएगा, फिर A² का A² हो जाएगा, और 2² = 2×2 = 4 हो जाता है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके बट्टा का घटाव बनाएंगे, तो 1 × 4 = 4 होता है, 4 में A² से गुणा करेंगे तो ये 4A² हो जाएगा, A² में 1 से गुणा करेंगे तो ये A² हो जाएगा। उसके बाद में हमें क्या करना है कि 4A² में से A² घटा के देख लीजिए तो ये 3A² आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे 4 को सेम टू सेम लिख दीजिए। आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि √3 का कोई भी वर्गमूल ना होने का √3 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है तो हम लोग यहाँ पे 2 लिखेंगे, A² का वर्गमूल A होता है तो हम लोग A लिखेंगे, तो इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब A√3/2 आएगा, और A√3/2 ऑप्शन सी में दिया गया है, यानी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, A√3/2। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 16 को देखिए। क्वेश्चन 16 में बोला गया है कि दो त्रिभुज ABC तथा PQR में कोण A = कोण P है, कोण B = कोण Q है,
कोण सी बराबर कोण आर है, तो कौन से त्रिभुज का, कौन से भुजा का जो कोण होगा वो कौन 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 के समरूप होगा। यहाँ पे क्वेश्चन 16 का सही जवाब सी हो जाएगा, कोण सी बी ए समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 17 को देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन 17 में बोला गया है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए का मान 70 डिग्री, कोण क्यू का मान यहाँ पे 73 डिग्री है, तो कोण सी का मान क्या होगा। सबसे पहले दो त्रिभुज आपको बनाना होगा, ठीक है, दो इस प्रकार से त्रिभुज बना लीजिएगा, इसका नाम आपको ए बी सी रखना होगा। एक और त्रिभुज की रचना कर लीजिएगा जिसका नाम आपको पी क्यू आर रखना होगा। जब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है तो कोण ए का मान यहाँ पे कितना है दोस्तों 70 डिग्री है, तो कोण पी का मान भी कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। कोण क्यू का मान यहाँ पे 73 डिग्री है, तो आपका कोण बी का मान भी हो जाएगा 73 डिग्री। आपसे बोला गया है यहाँ पे 73 डिग्री होगा, आपसे क्या बोला गया कि कोण सी का मान बताइए। कोण सी का मान कैसे ज्ञात कीजिएगा, आप तमाम छात्रों को मालूम होगा कि कोण ए कोण बी और कोण सी का जो योग होता है, जो मान होता है ना, वो 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे कोण ए की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 70 डिग्री प्लस कोण बी की जगह पे लिख सकते हैं 73 डिग्री, कोण सी का मान हमें मालूम नहीं है, बराबर लिख सकते हैं 180 डिग्री। उसके बाद में क्या हो जाएगा कि 70 में 73 को हम लोग जोड़ लेंगे तो 70 140 यानी 143 जाएगा, और प्लस कोण सी और बराबर में यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद में यदि कोण सी बराबर 180 डिग्री लिख देते हैं ना, तो प्लस में 143 है, माइनस में 143 जाएगा। अब देखिए 10 में से 3 घटता है तो जाहिर सी बात है 7 बचता है। उसके बाद में ये 17 हो जाएगा, यानी 7 में से 4 घटेगा तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, एक एक आपका कट जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब 37 डिग्री आ जाएगा। 37 डिग्री कोई भी ऑप्शन में ना होने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। तो उसके बाद में ऐसे अगर चेक करना होगा तो कैसे चेक कीजिएगा, तो यहाँ पे हमारा आया है कितना डिग्री, तो 37 डिग्री। तो अब हम तीनों कोणों को ऐड करेंगे, तीनों कोणों का मान 180 डिग्री हो जाएगा, तो हम समझेंगे कि जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आ गया है। तो देखिए पहला जो कोण है वो 70 डिग्री है, उसके बाद में 73 डिग्री है, उसके बाद में 37 डिग्री है। देखिए 7 × 3 = 10 का जीरो हाथ में एक आ जाएगा, 7 × 7 = 14 और 14 में 3 को जोड़ लेंगे तो 17 हो जाएगा, और 17 कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ पे 180 आ जाने के कारण हम कह सकते हैं कि हमारे द्वारा सॉल्व किया गया क्वेश्चन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पेंट करता हूँ। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हे दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए वीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।